खा डाला है पूरा। ओ माय गॉड दैट्स बैड। मैं बहुत जल्दी आ रही हूँ इन सारी जगहों पर। एंड ये सो टेस्टी, फुल ऑफ फ्लेवर्स। मैं खाना बंद नहीं कर पा रही हूँ। टर्न्स आउट वो सुबह की 8:50 की फ्लाइट थी और मेरी फ्लाइट 12 घंटे पहले उड़ चुकी है। Try a different thing, but now this location's about like half an hour away from where I live, but I think that's okay. Let's drive and just enjoy the drive and get there. Wahan par jaake dekhte hain ki wahan par the dish that we're going for, how that tastes. I can't wait. Let's go. Mereko jana padega, mereko jana padega, mereko jana. Okay, so we are here. Turns out they are open. Yay, finally on time. And we're gonna try the fish cutlet bread and the chicken cutlet bread. ये कौन सा वाला है? Fish bread cutlet. So the bread is so hot. I think it's very, very, very freshly baked. This is so crunchy. Wow. This is the chicken cutlet. The fish cutlet had like a red color sauce inside. This one has a green color sauce inside. The fish cutlet had like a really hot bread and cutlet. So the bread was really fresh. ये bread comparatively ठंडा है, so I'm guessing उसको fresh bake करके 5-10 मिनट हो गए हैं. The first bite itself, it's so different than the fish one, and yet so tasty. A little more spicy, but it's so good, so worth it. Same, same, but different, but still same. आज कहते कहते मेरा हाथ दीवार पे इतनी जोर से लग गया था, मैं नेल केम ऑफ. ओके, मैं घर पे आई और फिर से घर की लाइट जा चुकी है. देयर इज नो लाइट एट होम. और जाने से पहले मैं गीजर ऑन करना भी भूल गई थी. तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे. सो आई गॉट बैक और पूल में स्विमिंग करने से पहले आई वाज जस्ट आउटसाइड स्टैंडिंग. मुझे बहुत सारे मच्छर काट रहे थे एंड इट वॉज रियली हर्टिंग, बट आई डिड नॉट नो कि उन लोगों ने मुझे इतना काटा है. बिकॉज आई लिटरली केम होम एंड आई सॉ माई सेल्फ इन द मिरर एंड आई एम इन शॉक राइट नाउ. लुक एट दैट, लुक एट दिस, डू यू सी दैट? ओ माई गॉड, खा डाला है पूरा. ओ माई गॉड दैट्स बैड. Somebody save my son. मैं वापस जाने का सोच रही हूँ on Monday. So there's a lot for me to finish. So let's just get started with all the घर का काम. First is I'm going to put the CCTV camera at home. So let's see how this works. Okay, this is a quick operation guide. Okay, अपना कैमरा का काम हो गया है. Okay, next up on the list is putting this in the bathroom. So this goes here. और ये सारी bottles अभी fill करनी है. Let's go. Yay! क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है. ओके, तो हम आए थे कैफे देवता में खाने के लिए, बट इट क्लियरली सेज सैटरडे इट्स क्लोज्ड, सो दैट्स अनफॉर्चुनेट. कैन यू बिलीव, मैंने दो कदम लिए और मुझे जगह दिख गई. दिस इज द प्लेस. पर यहाँ पर एक डॉग को है और मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है बिकॉज़ ही इज लिटरली बार्किंग एट मी. आई डोंट नो व्हाट टू डू. क्या बात कर रहे हैं? बंद है, 5 o'clock दिखा रहा है यहाँ पर. हम 1.5 घंटा जल्दी पहुंच गए हैं. सो आई एम काइंड ऑफ फिगरिंग आउट व्हाट डू आई थिंक, मतलब मेरे को क्या करना चाहिए अभी, वेट करना चाहिए या
कोई और जगह जाना चाहिए। आई थिंक मैं बहुत जल्दी आ रही हूँ इन सारी जगहों पर। सुना क्या, ये भी मेरी गलती है। जहाँ पर हम आए थे टेक्सीरियाज, उसके एग्जैक्ट बैंक ऑपोजिट देर इज दिस रेस्टोरेंट कॉल्ड शैलेश। आई वॉन्ट टू जस्ट गो एंड गिव इट अ शॉट। जाना था यहाँ पर बट द डॉग इज नॉट वेरी वेलकमिंग और हम जा रहे हैं यहाँ पर विच इज लिटरली राइट इन फ्रंट ऑफ अस। सर इधर क्या अच्छा मिलेगा, क्या खाने का? चिकन है, जो भी आप बोलो वो सर्व करो ना, आपका दो बेस्ट डिशेस। सो आई एम ईटिंग कालवा विच इज तिसरिया विच इज ओयस्टर्स लिटिल स्मॉल शेल्स एंड दे हैड मेड फ्रेश भजियाज एंड ऑब्वियसली पोई। सो वी आर गोना ट्राई इट। ऑल ऑफ द फूड स्मेल्स एक्सट्रीमली फ्रेश एंड वेरी वेरी नाइस। The Kalvan, Kalva, I think, which is Tisriya in Marathi, which is clams or oysters, was to die for. The pav is literally sucking in all of the flavor. The flavor. This is also a chicken curry that I've called for, but I'm going to skip the pav this time. I don't really want to have the chicken curry. This is so tender. The chicken is perfectly cooked. ये खा के पता चलता है कि ये बहुत प्यार से बनाई हुई डिश है। Everything over here is so simple and yet so tasty. It was perfect. Everything down to the last minute details. हमारे घर का finally painting का काम चालू हो गया है। So ये जो है वो crack हो रहा था और सामने वाले घर में भी हो रहा था और वो तो आज सुबह ही टूट गया। आई वॉज इन शॉक। नाउ द वर्क इज स्टार्टेड और आज टुडे आई एम गोइंग टू गो बैक। आई एम एटलीस्ट ग्लैड दैट इट स्टार्टेड और मैंने सारी चीज़ें एटलीस्ट शुरू तो कर दी। अभी मेरे जाने के बाद ये सब पूरा हो जाएगा, इस चीज़ की मुझे अभी गारंटी रहेगी। आई एम हैप्पी। सो टुडे इज द लास्ट डे एंड नाउ आई एम पैकिंग to start heading back home. I'm super emotional. It was nice, it was a good break, but I think ab wapas ja ke kaam karna padega. So right now I'm just packing. Okay, I'm seriously late. Let's go. मैं इतनी जल्दी में यहाँ एयरपोर्ट पे पहुँची 8:50 की फ़्लाइट के लिए। टर्न्स आउट वो सुबह की 8:50 की फ़्लाइट थी और मेरी फ़्लाइट 12 घंटे पहले उड़ चुकी है। तो पैसा बर्बाद। सुना आप जस्ट कम विद सच अ रश ओवर हियर टू बेसिकली जस्ट आई एम एक्सट्रीमली अपसेट। सो आई मिस्ड माई फ़्लाइट एंड नाउ शी इज़ गोइंग टू गिव मी अ गुड फ़्लाइट। क्या दे रहे हो आप मुझे कल के लिए, क्या ऑप्शन? सुबह 8:50 और कोई नहीं है? सुबह मुझे आना पड़ेगा 7:50 एयरपोर्ट गणपति बाप्पा। ठीक है दे दो। हैं ये क्या हो गया? कैन यू बिलीव आई हैव कम टू दिस न्यू ब्रांड न्यू गोवा एयरपोर्ट। अच्छा छोड़ दो, थैंक यू रॉजर, ही जस्ट टुक ड्रॉप मी एंड टुक हिज कार। सो मैं और रॉजर यहाँ पर बिकॉज मैं अपनी फ्लाइट मिस कर चुकी हूँ। मुझे एक रेकड़ी पे आके खाना था विच इज़ अ वेरी पॉपुलर प्लेस और मेरे घर से सिर्फ 2 मिनट पे हैं। सो इट्स कॉल्ड ओम साई जो पारा अपना आई लिव इन आसागाँव तो यहाँ पर है, तो हम वहाँ पर जाके खाने वाले हैं। रॉजर लेट्स गो। और जैसे हम पहुँचे वहाँ बारिश हो गई, देन हम गाड़ी में 5-10 मिनट बैठे बट देन फाइनली बारिश रुक गई है तो अब हम जा रहे हैं। अभी क्या बन रहा है? स्क्विड चिली फ्राई। गोवा हैज अ लॉट ऑफ सी फूड टू ऑफर। करेक्ट, वी हैव अ फ्यू ऑन द मेन्यू बट टुडे वी हैव स्टिक टू ओनली 3 बिकॉज़ टुडे इज मंडे एंड ऑन मंडे वी डोंट सी अ ह्यूज सेल अ लॉट ऑफ पीपल ईटिंग आउटसाइड। राइट, वी हैव ओनली 3 आइटम्स। वन इज स्क्विड चिली फ्राई, वन इज प्रॉन चिली फ्राई एंड प्रॉन्स पुलाव। दिस इज द प्रॉन्स पुलाव
एंड दिस इज स्क्विड चिली फ्राई. स्क्विड चिली फ्राई एंड नाउ वी आर गोइंग टू ट्राई इट. ओके राजा यू आल्सो ईट या डोंट फील शाय. Hey, yeah, you all also eat now. You're all like all staring at me. No one's staring. No one's staring. We're just peaceful. Yeah. Kya kar rahi ho? Mujhe sharam aa rahi hai. This is so good. It's very good. Taste it. I haven't tried the squid yet. The squid is very good. Soft, yeah. Fresh. So everything is done at home. And then you just come and. Yeah, she packs it up and gives it to me. And then I just have to fry it. This is, matlab, he's lazy. You just accepted that on camera that the credit doesn't go to Prathamesh at all. Yes, of course. It goes to your mother. My mother's hard work, so the credit should go to the right person. A big shout out to what's her name? Sashikala. Yes. Sashikala ji, a big shout out to you. Now I'm going to try the squid. What I did, the new battery. Oh, I put it on this thing. Oh my god, I'm not even exaggerating. I think this is my favorite. I really think you've beaten a Ross omelette also. Not trying to put anybody down. But this is legit, yo. धोखा दिया है तुमने मुझे. Because of the rains, मैं सोच रही थी आना चाहिए कि नहीं. Sorry, my audience like I like sticking to Hindi, so like. Yeah, of course, our larger audience is Hindi. Yeah. तो मैं सोच रही थी कि मैं आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए. But I'm so glad we made this. मैं और रॉजर गाड़ी में 10 मिनट बैठे थे वहां पर और हम रुके थे बारिश की रुकने की. ओके तो प्रथमेश ने मुझे बोला कि मुझे पोई के साथ स्क्विड चिली फ्राई ट्राई करना चाहिए एंड द प्रॉन चिली फ्राई. सो ही इज ऑल्सो गॉटन अस द प्रॉन चिली फ्राई. आई एम गोइंग टू स्टार्ट ट्राइंग इट नाउ. रॉजर व्हाई आर यू ईटिंग टुडे? You know what Roger does? He basically waits for everybody to eat. And then when we're done, I'm like, ठीक है चलो मैं खत्म कर देता हूँ. He is that guy. आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए. This is prawns, chili fry, poi, chicken, sorry, prawns pulao, and squid chili fry. Super. तो इस घर को इतना emotional goodbye बोलने के बाद मैं वापस घर आ गई हूँ. And करण का ये मानना है कि गोवा लव्स मी और इस वजह से गोवा इज नॉट लेटिंग मी गो. बट दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड विद करण आल्सो. जब पहली रात वो निकल रहा था उसकी फ्लाइट कैंसिल हो गई थी. इट इज नॉट द सेम थिंग इज मी क्योंकि उसकी फ्लाइट कैंसिल हो गई थी तो उसे उसके सारे पैसे रिफंड मिल गए थे पर मुझे मेरा एक पैसा वापस नहीं मिला है गाइस. एंड करण जब भी ट्रैवल करता है तो यू नो ही ऑलवेज बुक्स दिस लाइक फर्स्ट रो और बिजनेस क्लास और वट एवर इज अवेलेबल अपना डोमेस्टिक फ्लाइट्स में. और मैं कभी नहीं करती. मैं हमेशा इकोनॉमी ट्रैवल करती हूँ और जहाँ सीट मिल जाए जो फ्री की सीट जो मिलती है हम जब बुक करते हैं मैं वही बुक करती हूँ. पर इस बार मैं जब भी फ्लाइट बुक कर रही थी मैंने सोचा यू नो वॉट आई वर्क हार्ड और इस बार आई डिजर्व दिस प्रॉब्ली स्पेंड अ लिटल ऑन माई सेल्फ और इसलिए मैंने फाइनली अपने लिए बिजनेस बुक की थी. ठीक है और अभी तो रुको क्लाइमैक्स अभी बाकी है. अब ये जो मैंने टिकट बुक की थी उसका तो एक पैसा वापस आया है नहीं. पर माइंड यू गाइस मैं अपनी गलतियों से फिर भी नहीं सीखी हूँ क्योंकि मैंने फिर से कल की जो सुबह की फ्लाइट बुक की है माइंड यू सुबह की 11 बजे की फ्लाइट है ना कि रात की 11 बजे की फ्लाइट वो फिर से मैंने बिजनेस बुक की है. शाबाश. तो मैं फिर से अपने हरकतों से बाज आई नहीं हूँ. दिस इज प्रीटी मच द फर्स्ट टाइम आई बुक्ड अ फ्लाइट लाइक दैट फॉर माई सेल्फ एंड आई थिंक आई काइंड ऑफ डिजर्व इट. तो इसीलिए क्योंकि मैं हमेशा मुझे लगता है कि मतलब ये फ्लाइट है भी कितने एक घंटे की फ्लाइट है उसमें क्या ही हम इंजॉय कर लेंगे या यू नो जो भी शायद ऐसा हो मैं फ्लाइट में बैठते ही सो जाऊँ. सो दैट इज वाई दीज थिंग्स डोंट मेक सेंस टू मी एज समबडी हु कम्स फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली. ऐसी चीज़ों पे स्पेंड करना मेरे लिए मतलब नहीं बनता है बट आई हैव डन इट. होपफुली कल की फ्लाइट पे पकड़ू गाइस. सो आई एम ऑन माई वे टू द गोवा एयरपोर्ट जो गोवा का नया एयरपोर्ट है वहाँ पर इट्स इन मोपा. तो मेरे घर से सिर्फ आधे घंटे की दूरी पर है तो मैंने फ्लाइट वहाँ से की है जहाँ से कल मैंने फ्लाइट मिस की थी. एंड टुडे आई एम वेयरिंग द एग्जैक्ट सेम क्लोथ्स क्योंकि ये कम्फर्टेबल है और ये मुझे मैंने यही डिसाइड किए थे मैं पहनने वाली हूँ. तो अभी जो जो जिन्होंने मुझे कल एयरपोर्ट पर देखा था दे आर प्रॉब्ली गोइंग टू जज मी बट आई डोंट केयर. तो या आई होप इस बार मैं फ्लाइट पकड़ लूँ.